उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जनपद की खुर्जा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप स्वामी के साथ हुई लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए तीन बदमाशों को एनकाउंटर में दबोच लिया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप मालिक से लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नागेश, रोहित और विकास पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। आरोपियों ने बीते 16 मई को पेट्रोल पंप संचालक सतीश से की थी 89,000 की लूट। लूटे हुए 73,000 रुपये, सोने की चैन, तीन तमंचे, एक बाइक में जिंदा खोखा कारतूस बरामद। अस्पताल में भर्ती कराए गए तीनों लुटेरे खुर्जा के रामगढ़ी मोड़ पर हुई थी मुठभेड़। आपको बता दें कि बीते 16 मई को ढाकर रोड स्थित पेट्रोल पंप संचालक सतीश चंद शर्मा के साथ तीन अज्ञात बदमाशों ने एक्टिवा में टक्कर मारकर करीब 89,000 रुपये की लूट और सोने की चैन लूट ली थी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले। पुलिस के हाथ लगे अहम सुराहों के आधार पर ही पुलिस ने नागेश, रोहित और विकास को मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिनसे एक तमंचा भी बरामद हुआ है। खुर्जा पुलिस बड़ी कामयाबी से व्यापारी वर्ग में हर माहौल है। खबर UMS न्यूज खुर्जा। ठीक है सर, मुझे खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए तीनों लुटेरे पुलिस के दबोचने के प्रयास में उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में तीनों ही बदमाशों को दबोचकर खुर्जा नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा आज प्रातःकाल शाहपुर मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक बिना नंबर प्लेट वाहन पर तीन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसको जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए रामगढ़ी रोड की तरफ भागने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा भी उनका पीछा करते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी उन पर फायर किया गया, जिसके क्रम में तीनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त तीनों ही अभियुक्तों द्वारा दिनांक 16/5/2024 को थाना खुर्जा नगर में पेट्रोल पंप व्यवसायी के साथ कारित की गई लूट की घटना उनके द्वारा कारित की गई थी। साथ ही इन अभियुक्तों के पास से उक्त घटना में लूटी गई सोने की चेन और लूटे गए लगभग 72,000 रुपये की नकदी, साथ ही लूटी गई स्कूटी एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी उक्त बदमाशों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। तीनों ही बदमाशों को अग्रिम उपचार के लिए CSC भेजा जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।